अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन कैंडिडेट्स ने मुजाहिद रेजिमेंट में अप्लाई किया था और उन्होंने रिसेंटली जो अभी जून जुलाई में अपने टेस्ट दिए थे जिसमें उन्होंने अप्लाई किया था स्पाई जीडी जनरल ड्यूटी के लिए, कुक के लिए, सैनिटरी वर्कर के लिए, और जिन जेंटलमैन ने क्लर्क के टेस्ट दिए थे रावलपिंडी पासवान ग्राउंड में, और कुछ जेंटलमैन ने बिम्बर सेंटर में क्लर्क के लिए टेस्ट दिए थे, तो उनके लिए जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट है और उनके लिए जो फाइनल कॉल है सिलेक्शन के लिए, वो 10 अगस्त से, मतलब कि आज से जो उसकी कॉल्स हैं या उसके कॉल लेटर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, और 20 अगस्त तक ये जो कॉल लेटर्स का प्रोसेस होगा या जारी रहेगा, ठीक है। और 20 अगस्त के बाद जो है इनकी रिपोर्टिंग डेट होगी भिम्बर सेंटर में, ठीक है। इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको बुलाएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट मैं आपको देता चलूँ कि आपकी जो फाइनल कॉल लेटर है, ठीक है, आपको आज से रिसीव हो जाएगा और ये 20-10 दिन तक जारी रहेगा, ठीक है। कुछ को आज रिसीव होगा, कुछ को नेक्स्ट डे, फिर कुछ को 15, फिर 16, इस तरह से, मतलब 20 अगस्त से पहले पहले आप तमाम को, पहले आपको कॉल रिसीव होगी आपके मोबाइल नंबर पे, और उसके बाद आपको एक कॉल लेटर भी करके एड्रेस पे आपको मेल आएगा, बाय पोस्ट आएगा, ठीक है। और इस आप इसकी जो ट्रेनिंग है वो 25 अगस्त तक शुरू हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको तमाम इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको बुला भी लेंगे। तो फाइनली इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं, ठीक है, और अपनी जो है अपना आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ठीक है, कि आपने ट्रेनिंग पे जाना है, ठीक है। और उसके ट्रेनिंग पे वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपका वहाँ पे मेडिकल होगा, ठीक है, उसके बाद आपकी जो फाइनल ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसकी अपडेट दे दूँ। तो जो जेंटलमैन हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जिनके मेडिकल, फ़िज़िकल और जिनका रिटन टेस्ट स्पेशली अच्छा हुआ है क्लर्क जेंटलमैन का, तो वो इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी और जो क्लर्क साहिबान हैं वो कम पास हुए थे रिटन टेस्ट में, ठीक है। तो वो जल्द ही उनको आज या कल या परसों तक उनको कॉल रिसीव हो जाएगी, उसके बाद उनको लेटर भी रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो अपने मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं उधर, वो आपने अपने मोबाइल नंबर्स ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आपको कॉल रिसीव हो सके और आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्म वो कर सकें कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं और आपने फ़लाँ डेट को अपना जो लगेज है, जो आपने मतलब प्रॉपरली जो आपका सामान आपने साथ लेके जाना है वो आप साथ तैयार कर लें, और फाइनली अपनी मेंटल जो आपकी है माइंड अपना वो बना लें, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ चुके होगी। इसके बावजूद अगर आप कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।